जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप कर्मों के बारे में सुन रहे हैं। मनुष्य के तीन प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, ऐसे कर्म जो कई बार जन्म लेने के बाद हमारे द्वारा किए जाते हैं, परंतु उन कर्मों का फल मिलने में भी समय होता है, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म होता है, ऐसा कर्म जिनका कर्म करके आने के बाद में अब उसका फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा फल हो चाहे खराब फल हो, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और तीसरा होता है स्वतंत्र कर्म, अकर्मण्य कर्म भी बोला जा सकता है, ऐसे कर्म जो अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, थोड़े दिन के मेहमान होते हैं, जैसे कि वर्षा के दौरान बहुत सी वनस्पति उग जाती है, वर्षा खत्म होने पर वनस्पति ऑटोमेटिकली सूख करके खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से इस जीवन को भोगते भोगते कुछ कर्म बिना वजह अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, और उन कर्मों का भोग भोगने के बाद वो कर्म समाप्त भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के कर्मों को भोगना पड़ता है। और मनुष्य के जीवन में तीनों प्रकार के कर्मों का अलग अलग प्रतिशत होता है। अब ये कौन बताएगा आपको कि आपका संचित कर्म कितना है, प्रारब्ध कर्म कितना है, अकर्मण्य कर्म कौन सा है, और कितना आप मटका भर के लाए हो पुण्य कर्म का और कितना पाप कर्म का लाए हो। इसके लिए मनुष्य को उचित योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। वही आपको यह बता सकता है कि पिछले जन्म में आपने कितने पाप कर्म किए हैं और कितने पुण्य कर्म करके आए हो। क्योंकि यदि पुण्य कर्म करके आए होते तो किसी बड़े घर के अंदर उत्पन्न हो जाते, किसी बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ उत्पन्न हो जाते, किसी बहुत बड़े सेठ के यहाँ उत्पन्न हो जाते, राजा महाराजाओं के यहाँ पे उत्पन्न हो जाते, बहुत बड़े नेता के यहाँ उत्पन्न हो जाते यदि पुण्य कर्म होते तो। और यदि पाप कर्म करके आए हैं तो झुग्गी में पैदा हो जाओगे, किसी गरीब घर में पैदा हो जाओगे, और पाप कर्म करके आए तो न तो पढ़ाई लिखाई आपकी होगी, न दिल दिमाग काम करेगा, पागल भी हो सकते हो, विवाह नहीं होता है, व्यवसाय नहीं चलता है। तो ये पाप कर्मों का फल होता है। तो कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ता है, चाहे फल मीठा हो या खट्टा हो या कड़वा हो। तो प्रारब्ध कर्म को काटा नहीं जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म। अब संचित कर्म तो ऐसे हैं कि उनको यदि हम जप करें, तप करें, ईश्वर की आराधना करें, पुण्य करें, अनुष्ठान करें, तो इस संचित कर्मों की पोटेंसी को हम कम कर सकते हैं, पूजा पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से। परंतु प्रारब्ध कर्म को तो भोगना पड़ता है। उसको भोगने के लिए यदि कोई पाप कर्म आ गया, कड़वा फल मिलेगा निश्चित तौर से। तो कड़वा फल खाने के बाद तबीयत खराब ना हो, इसके लिए शरीर को बलिष्ठ रखना पड़ेगा, यानी आध्यात्मिक ताकत की आवश्यकता होगी आपको। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य कर्म करते रहा करो, दान धर्म करते रहा करो, ताकि वो जो कड़वा फल आने वाला है जीवन में, यानी नुकसान होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, पागल होने वाले हो, या चोरी होने वाली है, आग लगने वाली है, तो उसमें आपको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए, ताकि वो कष्ट कष्ट जैसा न लगेगा। इसीलिए जप तप हवन करते रहना चाहिए। आज के जमाने में प्रारब्ध कर्म मनुष्य को भोगने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती, क्योंकि वो जप तप नहीं करता। इस वजह से उसके जीवन में कष्ट ज्यादा महसूस होते हैं, सुख कम प्राप्त होता है।
परंतु नियम के मुताबिक प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही भोगना पड़ता है। इसलिए कई जगह शास्त्र में लिखा हुआ भी है कि कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, यानी कर्म का लेख जो लिख दिया गया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। चाहे कितना ही ज्ञानी पुरुष हो, कितना ही बड़ा गुरु हो, कितना ही साधु संत त्यागी तपस्वी ओघड़ हो अघोरी हो, किसी की ताकत नहीं। कड़वे फल हैं तो खाना पड़ेंगे, मीठे फल हैं तो वो भी खाना पड़ेंगे, परंतु आपके पास कड़वे फल खाने की ताकत आ सकती है कि कड़वा कड़वा नहीं लगेगा, उसके लिए आध्यात्मिक ताकत की आवश्यकता होती है। और आध्यात्मिक ताकत प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जप करना चाहिए, हर सप्ताह में एक बार हवन करना चाहिए, अमावस्या के दिन दान देना चाहिए, पितरों की सेवा करना चाहिए, और पांच प्रकार के जो जानवर होते हैं, पांच प्रकार की आत्माएं होती हैं, उनके लिए पुण्य करना चाहिए, तो आपको उन कष्टों को सहन करने की ताकत प्राप्त होगी। अब ऐसे कौन कौन से हैं जो पांच शास्त्र में बताएंगे? पहला होता है कुत्ते को रोटी देना। कुत्ते को कभी मारना नहीं चाहिए, कुत्ते को भरपेट भोजन कराओ, क्योंकि कुत्ते के शरीर में पितर बैठकर के भोजन करते हैं, प्रेत बैठकर के भोजन करते हैं, और क्षेत्रपाल देवता शरीर में घुसकर के भोजन करते हैं, वो आपकी रक्षा करने का काम भी करते हैं। तो शास्त्र कहता है कुत्ते को रोटी दो, गाय को रोटी दो, हरा चारा खिलाओ, मछलियों को दाना खिलाओ, पक्षियों को अनाज खिलाओ, और सबसे आखिरी में बच गए दुश्मनों से बचने के लिए, लाल चींटी और काली चींटी के जो घर होते हैं, जिसको हम चींटियों के बिल बोलते हैं, वहां पर पंजेरी यानी सू का आटा शकर मिला करके उन चींटियों को खिलाओ, अनवरत खिलाते रहो, तो जो कड़वा फल है वो कड़वा नहीं लगेगा आपको, कड़वा खाने के बाद तबीयत भी खराब नहीं होगी आपकी, और वो समय आपका पास हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये पांच कर्म यदि कोई कर रहा है मनुष्य, तो उसके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये संचित कर्म को कम करोगे, पुण्य करके प्रारब्ध कर्म को भोगोगे, मुक प्राणी मुक आत्मा जो बोल नहीं सकती, जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, उनको भोजन कराओगे, अपने पितरों की सेवा करोगे, कुल देवी देवताओं की पूजा करोगे, अपने इष्ट के प्रति वफादार रहोगे, तब जाकर के आपको वो कड़वा फल यानी खराब समय जो आने वाला है या आ चुका है उससे आप बच जाओगे। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा बलादा कृषि मोहाय महामाया प्रचति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मिशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिम तिम चवाम ददासी दारिद्र दुग्बह निकात धन्या सर्वपकार करना सदाचिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण प्राणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। तो जो मनुष्य इस जन्म में वर्तमान में कष्ट में है, परेशानी में है, दुख है, तकलीफ है, उसकी व्यथा है, तो वह दुर्गा सप्त श्लोकी जो मैंने अभी आप बोली है आपके सामने, इस दुर्गा सप्तशती का रोजाना घी का दीपक लगा के 11 बार पाठ करें, तो माँ भगवती जगत जननी निश्चित तौर से आपके दुखों में कमी अवश्य करेगी। ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः। ओम ऐं क्लीं प्रीं क्लूं क्लूं क्लें ग्लों क्लीं ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लों हुं क्लीं जूं सह ज्वाल ज्वाल जल जल प्रज्जल प्रज्जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम चम लम चम बट स्वाहा। और ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म यदि बहुत ज्यादा खराब है और सहन शक्ति प्राप्त करना हो तो कुंजी का स्त्रोत का अनुष्ठान हर वर्ष करना चाहिए। इससे भी आपको इन पाप कर्मों का फल भोगने में सहायता प्राप्त होगी।
ये जिंदगी का निचोड़ हमने आपके सामने बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों मंत्रों की विधिवत रूप से दीक्षा लेने के बाद ही प्रयोग करोगे। जहां पर भी मंत्र शब्द आ जाता है वह गुरु से गुरुमुखी होना अत्यंत आवश्यक होता है, तो ही मंत्र काम करते हैं, अन्यथा आप स्तुति पाठ करें। स्तुति के लिए गुरुमुखी होना जरूरी नहीं होता है। स्तुति का मतलब हो गया आई गिरी नंदी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैल सुते। तो ये इसको स्तुति बोलते हैं। इस स्तुति का भी जो मनुष्य रोजाना हृदय से दिल से आत्मा से पाठ करता हो तो माँ भगवती की कृपा उसके ऊपर प्राप्त हो सकती है। और जो बुरा समय यानी कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार खराब समय जो आने वाला है वो खराब समय कब पास हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी। आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है निरोगी काया प्रदान करे। यदि किसी भी मनुष्य को अपने घर परिवार में यदि रोग निवारण करवाना हो तो वो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। कोई भी ऊपरी बाधा हो, तंत्र बाधा हो, काला जादू हो, नजर दोष हो, जिन जिन्नादों का साया हो, खून के छींटे पड़ते हो, घर शरीर के अंदर सुइयां चुभती हो, घर के अंदर काले कपड़े वाले नजर आते हो, सपने के अंदर सफेद कपड़े वाले नजर आते हो, बार बार बीमार पड़ जाते हो, एग्जाम समय में पहले अवश्य बीमार पड़ जाते हो, विल पावर कमजोर हो जाती हो, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो, पैसा लगाने पर पैसा डूब जाता हो, घर में रहने का मन नहीं करता हो, ये सब परेशानी ऊपरी बाधा की होती, सिम्टम होता है। यदि इनको दूर करना हो तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 व्हाट्सएप नंबर है, 7649862712 ये भी व्हाट्सएप नंबर है, 9977831616 और 9893128047 ये चारों नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना पूरा नाम पता परिचय देते हुए अपनी समस्या बताइए, निश्चित तौर से गारंटी के साथ में आपका इलाज किया जाएगा। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ जगत जननी, जय माँ कामाख्या।